हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनपुट डिवाइस के विषय में। क्या होती है इनपुट डिवाइसें, कौन कौन सी होती हैं और इनका कार्य क्या होता है। जैसा कि पहले भी हम वीडियो में बता चुके हैं, इनपुट डिवाइसों का कार्य इंस्ट्रक्शन को सिस्टम के अंदर यानी सीपीयू के अंदर डाटा को प्रोवाइड करना होता है। और इनमें जो सबसे प्रमुख डिवाइसें आती हैं उनमें से पहला होता है कीबोर्ड, दूसरा माउस, तीसरा स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, डिजिटाइजर, माइक्रोफोन, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन जिन्हें हम MICR कहते हैं, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर जिन्हें OCR कहा जाता है, और BCR यानी बारकोड रीडर। तो दोस्तों, ये प्रमुख इनपुट डिवाइसें हैं जिन्हें कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। इनका कार्य क्या क्या होता है अब उसको भी देख लिया जाए। कीबोर्ड, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, कीबोर्ड का कार्य सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देना होता है। एक नॉर्मल कीबोर्ड की अगर बात की जाए तो उसके ऊपर करीब 104 से 105, 6, 7 तक बटन्स लगे होते हैं, लेकिन मल्टीमीडिया कीबोर्ड में बटन की संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है, वह 115, 118 इस तरह से हो सकती है। दूसरे नंबर पर माउस आता है। माउस में मुख्यतः 3 बटन होते हैं, एक लेफ्ट बटन, दूसरा राइट बटन और एक बीच में स्क्रॉल बटन होता है। लेफ्ट बटन के द्वारा हम क्लिक करके किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का कार्य करते हैं। उसी तरह राइट बटन से उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को ओपन करने के लिए प्रयोग किया जाता है राइट बटन का, और स्क्रॉल बटन के द्वारा पेज को ऊपर नीचे करके देखा जाता है। इसी लाइन में तीसरी जो डिवाइस आती है वह होती है स्कैनर। स्कैनर का कार्य किसी भी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का होता है। यानी आप लोगों ने देखा होगा दुकानों पे, साइबर कैफे में, कि आपके द्वारा फोटो लिया जाता है और फोटो से फोटो बनाने का कार्य करते हैं। तो उस क्रिया में सबसे पहले फोटो को लेकर के स्कैनर के अंदर डालते हैं और वहां से स्कैन करते हैं और वह तुरंत फोटो हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट हो जाता है। इस कैटेगरी में अगली डिवाइस आती है, वो होती है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का कार्य गेम खेलने के लिए किया जाता है मैक्सिमम। लाइट पेन का उपयोग इस समय नहीं होता है। इसका भी प्रयोग लगभग 1974 के आसपास हुआ करता था। यह भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस ही थी। डिजिटाइजर, यह एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम वॉइस रिकॉर्ड करने का कार्य करते हैं। माइक्रोफोन अक्सर हम और आप यूज करते हैं, माइक्रोफोन के द्वारा भी हम आवाज को रिकॉर्ड करने का ही कार्य करते हैं। MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। दोस्तों, आप लोगों ने चेकबुक पर एक मार्क देखा होगा, एक नंबर होता है 14 अंकों का, उसी कोड को रीड करने के लिए MICR का प्रयोग किया जाता है। और यह एक बहुत अहम डिवाइस होती है, उसी के द्वारा चेक वेरीफाई होता है कि चेक रियल है या फिर गलत चेक है। अगली डिवाइस आती है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, OCR। इसका भी कार्य OCR बिंदुओं को रीड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह भी एक इनपुट डिवाइस ही है। नेक्स्ट, बारकोड रीडर। बारकोड रीडर का प्रयोग भी बार को रीड करने के लिए किया जाता है। ये बार आपको मैक्सिमम बुक्स पे या फिर प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको जो है सीधी सीधी लाइनों के रूप में देखने को मिलते हैं, वही होते हैं बार, और उन्हीं को रीड करने के लिए बारकोड रीडर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इसी कैटेगरी में जो मैंने बताया जो होता है स्कैनर, स्कैनर की जो कैटेगरी में जो है दो तरह के स्कैनर होते हैं, जिनमें आपका पहला हो जाता है MICR जो मैं बता चुका हूँ, दूसरा आता है ऑप्टिकल स्कैनर, और उसी कैटेगरी के अंदर आता है OCR और OMR। मैं OMR को बताना भूल गया तो अभी बता देते हैं। OMR, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय एग्जाम होता है आप लोगों का, जिसमें OMR सीट प्रोवाइड की जाती है। आपको एक सर्कल मिलता है, सर्कल में आप उस डॉट को भरते हैं, उसी भरे हुए डॉट को काउंट करने का कार्य OMR द्वारा किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। दोस्तों, ये कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइसेज हैं जिन्हें आपको जान लेना बहुत ही आवश्यक था। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। दोस्तों, वीडियो कैसे लगी आपको इस चीज को जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद।